फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लॉट खरीदने से लेकर घर के कॉलम बनाते तक किस तरह से आप काम कर सकते हैं, किस तरह से आपको काम करना चाहिए, सही तरीका क्या है। सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास घर नहीं है, आप प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हैं, तब आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना है। जैसे कि आप जब भी प्लॉट खरीदेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि शहर से कितना दूरी पर है। अब मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं कि शहर से कितनी दूरी पर है, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, वो अभी आपको आगे वीडियो में हर एक चीज पता चल जाएगी। देखिए, जैसे आप प्लॉट शहर से बाहर खरीदने के लिए जाएंगे तो जो रोड से अगर या शहर से नजदीकियां उसकी कम होते जाएगी, यानी दूरी बढ़ते जाएगी, तो रेट कम होते जाएंगे। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है, जो मास्टर प्लान बनाती है, मास्टर प्लान क्या है ये कंफ्यूजन होगा, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे आप मान लीजिए शहर से बाहर ले रहे हैं प्लॉट आपने ले लिए, अब आपको यहां पर कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको परमिशन लेना होगा गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट जो वहां पर नगर पालिका नगर निगम है, ये आपको परमिशन देंगे। अब जब भी ये परमिशन देंगे तब होगा क्या कि यहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका डायवर्सन है कि नहीं। डायवर्सन कब होगा, जब आपका जो प्लॉट है वो डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो मास्टर प्लान सेट की है इसके अकॉर्डिंग होगा। चलिए, थोड़ा सा आपको ये सारी लैंग्वेज जो है वो टफ लग रही होगी या फिर समझने में तकलीफ हो रही होगी, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताता हूं। आपने अगर एक प्लॉट लिए हैं, वो शहर से बाहर है, जहां पर अगर खेती है या फिर कृषि की जमीन है तो यहां पर ये ग्रीन में आता है। अब येलो में आता है तो ये आपकी आबादी क्षेत्र में, यानी कि जो आपके गवर्नमेंट है, टाउन एंड कंट्री, नगर तथा ग्राम निवेश, यहां से इसको बताया गया है कि यहां तक आप शहर का विस्तार कर सकते हैं। इसके आगे कुछ प्रस्तावित है वो रेड में आता है, और फिर ग्रीन में जहां खेती की जगह है। अब आप जब भी एक खाली प्लॉट लेकर जाएंगे तो इसमें डायरेक्ट आप नगर निगम नगर पालिका से परमिशन नहीं ले सकते, इसके लिए पहले डायवर्सन करवाना होता है, और ये जो प्रोसेस है ये आपकी आपको टाउन एंड कंट्री से होगी, वो भी आपका यहां पर आप परमिशन लेंगे तो आपको यहां पर फैक्ट्री बनाना या कोई कारखाना, या फिर आप यहां पर कॉमर्शियल शॉप खोलना चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, या रहने के लिए आप रेसिडेंशियल के लिए यूज करना चाहते हैं, ये चीजें यहां से हो जाएगी, परमिशन आपने ले लिए। अब बात आती है कि जब आपने टाउन कंट्री से परमिशन ले लिए हैं, मान लीजिए आपका एलओ में है, परमिशन आपको मिल गई है, तब आप क्या डायरेक्ट बना सकते हैं? नहीं, तब भी आप डायरेक्ट नहीं बना सकते, अब आपको नगर निगम से जाना है। नगर निगम नगर पालिका टाउन कंट्री, यहां से आपको परमिशन लेना है। अब मकान बनाने के लिए आप परमिशन ले रहे हैं, अब जब मकान बनाने के लिए आप अप्लाई करेंगे तब आपको डायवर्सन, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री, सारे डॉक्यूमेंट्स, टैक्स वगैरह जो होते हैं, इनको लगाने के बाद आप यहां पर अप्लाई करते हैं, और फिर आपको एक जो ऑथोराइज्ड इंजीनियर है, ये यहां पर जो कंसल्टेंट है उस विभाग से या फिर वहां से अथॉरिटी प्राप्त है या लाइसेंस प्राप्त है, वो इंजीनियर ड्राइंग बनाएंगे और वो आपकी ड्राइंग सबमिट करेंगे, और इस तरीके से आपको अपने मकान का निर्माण के लिए परमिशन मिल जाएगी। दो तरीके से हो सकते हैं, ऑनलाइन एक, और दूसरी चीज ऑफलाइन, जिसमें ब्लूप्रिंट से करवाते हैं। अब आपके शहर में अलग अलग हो सकता है कि वहां पर किस तरह से वर्क हो रहे हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें, आपने परमिशन ले चुके हैं, हर एक चीज की परमिशन हो चुकी है, आप जो अपने इंजीनियर से परमिशन करवाएं, इनसे मिले, और जो आपकी प्लानिंग है वो किस तरह से होगी जिसमें आप घर बना सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेहतर, वो चीजें आपको यहां पर क्लियर करना है। वो चीजें आप क्लियर कर लेंगे, जब आपकी प्लानिंग फाइनल हो जाती है तब बात आती है आपकी प्लॉट से लेकर जो घर के कॉलम तक की मैंने बात कहा वो। अब आप आते हैं कॉलम पर, कॉलम जिसमें सेंटर लाइन हो जाता है आपका, कॉलम का लेआउट करना है। तब सबसे ज्यादा आपको तकलीफ तब होगी जब आप कॉलम के लिए लेआउट करेंगे, तो एक चीज ध्यान रखें जिससे आपकी तकलीफ दूर हो जाएगी, वो है आपके पड़ोसी। आपके जो तीन तरफ पड़ोसी होंगे, एक तरफ रोड होगी, तो तीनों तरफ के जो पड़ोसी है, अगर उनका मकान बना हुआ है या फिर उनका प्लॉट है या खाली जगह है, जो भी है, आप उन्हें सामने से एक बार बुलवा लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा आपके घर बनने से प्रॉब्लम होती है पड़ोसी को, और ये बाद में स्टे लगाने का या फिर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो खड़ी कर देते हैं। तो इसके कारण
और वो भी ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 इंच जगह के लिए, जिसमें आपका प्रोजेक्ट परेशानी में आ जाता है और आप भी परेशानी में आ जाते हैं। क्या करना है, आप इनको सामने से बुलाएं जब आपका कॉलम का लेआउट हो रहा है। देखिए आप कॉलम का लेआउट हो चुका है, गड्ढे बहुत बड़े हैं 4x4 के या 4x5 के। अब क्या करेंगे आप यहां पर, जब कॉलम है तो कॉलम इतना बड़ा तो आप खड़ा करेंगे नहीं। कॉलम स्टैंड जब भी आपको करना है तब आप 9x9, 9x12, 9x15, 9x18 या फिर आप 12x24, इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, आप एज पर योर डिजाइन या फिर जो स्ट्रक्चर डिजाइन मिला है इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर कॉलम स्टैंड करेंगे। तब भी आप अपने पड़ोसी को सामने रखें और इस तरह से कॉलम स्टैंड करें तो आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। ये थी बात हमारे प्लॉट खरीदने से लेकर घर के कंस्ट्रक्शन यानी कि कॉलम स्टैंड करते तक। इसके बाद की सारी प्रोसेस आपको चैनल पर मिल जाएगी, बहुत सारी सीरीज बना दी है। कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर व्हाट्सएप ग्रुप पर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।